हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीता किचन गार्डनिंग। आज हम आपको अपने बैंगन के प्लांट दिखा रहे हैं, जो ये लंबे वाले बैंगन हैं और आप इन्हें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अपनी छत पर। बैंगन बहुत आसानी से उगने वाली सब्जी है और आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे एक छोटे से छोटे छोटे प्लांट में काफ़ी बैंगन आ रहे हैं, देखिए। और आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट से ले सकते हैं। जब भी आप किचन गार्डनिंग करें तो कभी भी आप पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अपने लिए लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो हमें अच्छी से सब्जियां नहीं मिलती हैं। ये देखिए, आपको इसमें प्लांट्स में अच्छे से बैंगन लगे हुए हैं और आप अपने घर के लिए अच्छे से सब्जियाँ उगा सकते हैं। ये देखिए, आज हम इनको बैंगन को निकालते हैं। बैंगन को आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड से आपको पहले लगाने के बाद पौध तैयार करनी होगी, और जब वो पौध 10 से 15 दिन की, 20-25 दिन की हो जाती है, तब आप उन्हें लगा दें। और कंपोस्ट का यूज़ करें उसमें आप, और पेस्टिसाइड के लिए मैं नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, आप हमेशा वही करें, या फिर और भी जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक तरीके हैं आप वही इस्तेमाल करें। इसमें आप केले की खाद ज़रूर दें ताकि फल इसमें अच्छे से लग पाए। कंपोस्ट दें इसको, इस तरीके से आप छत पे आसानी से बैंगन को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट सब्जियां करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, ये बहुत कम स्पेस में भी लग जाती हैं और आसानी से हमको रिजल्ट भी मिल जाता है। ये देखिए, आप इसमें सरसों की खली का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, जिससे इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए प्लांट्स की। और नीम खली का इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे से सब्जियां मिल पाएं। इससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखेंगे। और जब भी हम सब्जियां लगाएं या फ्रूट प्लांट लगाएं, कोई भी चीज़ें करें, तो सबसे पहले आप एक काम और करें कि अपनी छत पर हमेशा कुछ फ्लावर प्लांट्स रखें, ताकि हनी बीज हैं ये आपके यहाँ आए और पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो सके। इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि कुछ फ्लावर प्लांट्स, रोज़ हैं या जो भी आपको पसंद है, इस तरीके के आप प्लांट लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ अच्छे से फिर पॉलिनेशन होगा, आपको हैंड पॉलिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप शुरुआत में जब आप लगाएं तो आपको शायद हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपके यहाँ फ्लावर प्लांट लगे होंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनी बीज़ हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, वो ईज़िली आपके यहाँ टेरेस पर आएंगी। अगर आपको मेरे अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।